हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में। करंट एनर्जीज में मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूँगी, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किस इंसान से होगी, कैसे होंगे वो। पॉसिबली मैं देखूंगी कि उनके प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, क्या ट्रेट हो सकते हैं, जो भी दिखता है नज़र आ रहा है वो मैं जानने की कोशिश करती हूँ। तो रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो लेट्स सी कि क्या निकल के आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेजर चीज़ें, उनमें क्या नज़र आ सकती है। हाय रिफंड, जैसे मुझे लगा ही था, समाओ एक फीलिंग थी। द डेथ, ओ द लवर्स, एक लास्ट कार्ड, और द हर्मिट, और बॉटम में डेक है द टेम्परेंस। तो सबसे पहले तो चीज ऐसा लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी डेस्टाइन है, पॉसिबली पहले तो ऐसा लग रहा है कि इनको आप जानते हो, और जिनके बारे में आप सोच रहे हो वही इंसान है। और कुछ लोगों केसेस में पॉसिबल है कि वो इंसान अभी तो इस कनेक्शन को जानता नहीं है, क्योंकि मुझे ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट की एनर्जी आ रही है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट पॉसिबल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जितने ज़्यादा लोग हैं वो सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, और ख़ास करके स्पिरिचुअलिटी से बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कि जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपने खुद ऑब्जर्व किया कि कितने वक्त पहले आप ऐसे इंसान नहीं थे। आप में भी बहुत ज़्यादा एक डर था, इनसिक्योरिटी थी, एंग्जाइटी थी। आप भी किसी चीज़ के लिए इतने कंपैशनेट, नो ऐसा नहीं है कि आप में कुछ दया माया कुछ चीज़ नहीं थी, नहीं, प्यार वो सब कुछ था, लेकिन वो चीज़ एक पर्सन के लिए स्पेसिफिक था, या फिर किसी चीज़ के लिए, कि जैसे अपना एक गोल हो, करियर हो, ये सब चीज़ों के लिए एकदम खास लगाव था, या उसी चीज़ पर फोकस वो इंसान आपकी लाइफ में आके गया, या आने के वाला है, या दूर क्या चला गया, जैसे आपकी लाइफ वहाँ पर थम गई और बस वहीं पे एक सर्कल की तरह मूव करती रहेगी। यहाँ पे यही फील हो रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि हायर लेवल सोलमेट से, और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आपके लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, जिस तरह से आप टैरो रीडिंग को सीरियसली ले रहे हो, तो वो दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए ही आया है। तो ये इंसान जो है, मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं, वो है धनु राशि, सजिटेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि, देन वर्गो, मिथुन राशि, सॉरी वर्गो, कन्या राशि, और हायरफंड टॉरस राशि, और डेथ मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी मिल रही है। मुझे समाव एक कैंसर की एनर्जी भी यहाँ फील हो रही है, जबकि कार्ड्स आए नहीं, बट समाव ऐसा लग रहा है कि कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ये इंसान ना ऐसा है ना कि जब भी आपसे मिलेंगे, या इनके मिलेंगे तो शायद हो सकता है कि आपसे ठीक से बात नहीं की हो, या पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा कि यू नो एक अकेलापन का एहसास, एक अलग ही ऐसा एहसास कि जहाँ पे ये इंसान ना अपने दुनिया में रहना पसंद करता है, अपनी सोच है उसकी, लेकिन इसका स्पिरिचुअल ग्रोथ यू नो अगर इनकी जर्नी स्टार्ट हुए, इनका एक चाहते ना चाहते हुए ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि इंसान एक खामोश रहता है, एक सन्नाटा जैसा फील होता है, बट इनकी जो खामोशी है ना वही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये इंसान जब भी आपसे मिला है ना, तो भले वो कम बोलता हो,
बट इस कदर बोलता हो कि आपको फील हो जाए कि ये कुछ अलग ही है, इसमें कुछ बात है, मतलब कि एक छोटी छोटी बात या फिर किसी चीज़ को जिस तरह से वो गहराई से बात करता है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक डीप थॉट्स है उसके। अगर आप जिनसे डील कर रहे हो, अगर वो फील हो रहा है कि ये एनर्जी उनकी नहीं है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन, जो भी आपकी पर्सन है, वो ये नहीं हो, आपकी शादी किसी और से होने वाली है जो ये टाइप के पर्सनालिटी हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि उनके लाइफ में यही जो पर्सन है, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर और बहुत ज़्यादा बचकाने, बहुत बातूनी और काइंड ऑफ फील होते हैं ना, वही इंसान किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, उसके बाद ही उनका एक अलग ही चेहरा, एक अलग ही पर्सनालिटी आपके नज़र आएगी, जिसके देख के आप लिटरली शॉक हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से उनकी मैच्योरिटी होगी, जिस तरह से उनकी बातें होंगी, जिस तरह से उनकी ना मतलब जो भी वो काम करेंगे, बोलेंगे, हर चीज़, ऐसा लग रहा है कि अलग ही लेवल पे, मतलब चाहते ना चाहते भी उनको लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस होंगे, या फिर उनको जाने अनजाने किसी अपनों का डेथ का सामना करना पड़े, वो भी सिचुएशन फील हो रहा है। कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहते या फिर कुछ चीज़ें समझना नहीं चाहते, वही चीज़ पे इतना बड़ा घाव हो जाएगा कि वही चीज़ उनको स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लेके जाएगी, जिस तरह से आपकी जर्नी है वहाँ पे। और डेफिनेटली उसी के बाद आपका रीयूनियन होगा। ये मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ एक टीचर प्रोफेशन या एक स्पिरिचुअल गुरु इन द सेंस कि हीलिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में मुझे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एनर्जी भी आ रही है कि उनकी कुछ जॉब या उनके प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, नर्स या हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के प्रोफेशन मुझे ऐसा लग रहा ना कि कुछ राइटिंग या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत है, वो मुझे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में एक आर्टिस्टिक टैलेंट मुझे दिख रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक डांसर, सिंगर या फिर यूट्यूबर या फिर ऐसे कुछ वाइब्स आ रहे हैं जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है या बहुत एक दमदार है, जब भी वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई होती है, ऐसा फील हो रहा है। अगर नहीं है तो वो आ जाएगी, ये भी एक चांसेस है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे एक बात, एक प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आ रहा है ना, कि ये ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे जब तक इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता ना, तो हर चीज़ को जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखे होंगे या देखे हैं, तो उस वजह से उनकी लाइफ में इस कदर एक ठहराव आया है या इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, या फिर एक सोचने समझने की अलग ही कोशिश रहती है, कि जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है ना कि डिसीजन में डिले करने के चांसेस बहुत है। कि बहुत सोचेंगे, ये आपके पास आएंगे, इस कदर प्यार जताएंगे कि ये आपको, इनको देखने के बाद, यू स्पेशली अगर अभी नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलने के बाद आपको लगेगा कि यस, यही वो पर्सन है जिसे जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। क्योंकि इनकी जो एक कनेक्ट है आपके साथ, वो बहुत ज़्यादा एक डीपर लेवल पे है। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है, माना कि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, बट फिर भी जो दिख रहा है, जिन एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मुझे वो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनकी एक बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेगी। हाल फिलहाल में शायद वो एनर्जी नहीं है, वो बैलेंस की एनर्जी में नहीं है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में, वाओ, तो आप स्टार सीड है, वो भी स्टार सीड हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जी ना, शिव और शक्ति की मिलन, लाइक ना एक लाइक फेमिनन एंड डिवाइन, फेमिनन और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। और लेकिन एक है कि आपका पर्पस, आपका स्पिरिचुअल पर्पस या कुछ भी, सिर्फ एक शादी तक या शादी के बाद बच्चों तक, इतना तक सीमित नहीं है। क्योंकि आपके प्रोसेस में ऐसा दिख रहा है ना कि इतना सफ़र है, वो आसान नहीं है, इनफैक्ट इतना मुश्किल है कि एक वक्त ऐसा आएगा ना कि लोग आपको पूछेंगे कि आप इतना सब कुछ कैसे सह गए, या आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, वाली एनर्जी है। बट सफ़र तो कट जाएगा, लिटरली ऐसा फील हो रहा है। तो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं स्ट्रांगली, एंड कुछ भी एक जिम की भी एनर्जी मुझे समाव आ रही है, डांस डांस की एनर्जी है, मेडिकल फील्ड,
ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर जिनके साथ वो एनर्जी मैच हो रही है। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट अगेन, थ्री ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, जजमेंट, द डेथ, फूल, लवर्स सामने से आया है। एक्चुअली जब मेडिटेशन करी थी और कार्ड जब हम लोग क्लिंजिंग के लिए शफल करते हैं एनर्जीज के लिए, तो ये कार्ड बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था। तो वो मेजर कार्ड्स में भी आए हैं और माइनर में भी आए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। एम्परर, डिवाइन मस्किलन, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक है द एस ऑफ सॉर्ड्स। हो तो अभी मुश्किल ये है कि कैसे समझाऊं, कि मतलब ऐसा है ना कि बहुत लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि ये सब सबके साथ रेजोनेट हो ना हो, बट ऐसा लग रहा है कि जिनके साथ ये एनर्जी जुड़ी हुई है बहुत बधाई हो, क्योंकि आपकी शादी जिस इंसान से होने वाली है, जो डेस्टाइन पार्टनर है आपके, तो वो है आपके द लवर्स, द लवर्स। और तो वो उनकी बर्थ डेट्स मुझे स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, 14, 13, 17, 16, 20 या 9, समो 18 नंबर भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, 18 नंबर। तो या तो उनका लाइफ पाथ नंबर या बर्थ नंबर 3, 5, 2, 6, 4, ये इससे रिलेटेड हो। इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये इंसान की एनर्जी कैसे रहेगी ना, कि बेहद प्यार करते हैं आपसे, लेकिन जिस तरह से मैंने बार बार कहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, बहुत सारी चीज़ लाइक ना लिटरली अपनों की, अपने सपनों की डेथ इस तरह से देखेंगे, जिसकी वजह से इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि अभी जो सेपरेशन चल रहा है ना, कि आपको इस कदर एक बार खोएंगे, इस कदर एक बार खोएंगे, या खुद से या अपनी मर्जी से या मजबूरी में इस कदर खोएंगे कि आपको पाने की जो एक जिद में, ये इनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये अकेलापन होगा, ये उनको बहुत कुछ सिखा जाएगा। माना कि ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ही बात हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है ना, ये जो मैंने कहा है कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी मिरर होगी। जिस तरह से आपकी ग्रोथ होगी, यहाँ पे उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन। आप मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा एक ग्रोथ में नज़र आ रहा है, और इनके केस में ऐसा लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, मतलब पूरी तरह मतलब टावर पे टावर झेलेंगे जी। मतलब जब तक समझेंगे नहीं ना, जब तक समझेंगे नहीं तब तक टावर पे टावर फेस करते जाएंगे। हालांकि अभी आपको लग रहा हो कि इनकी एनर्जी जिस तरह से है कि एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, लड़ाई झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी सोच, अपनी मतलब जब अपना मैं की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरीज साइन भी निकल के आया है, और स्कॉर्पियो और जो बाकी के साइन तो वही हैं। आप देख सकते हैं कि डेथ भी आया है, लवर्स भी आया है, तो हायरोफंट भी आ रहा है। तो स्ट्रांगली चांसेस है कि ये बहुत ही ज़्यादा, अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता या वह चीज़ में है, लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि ये अपने अंदर ही अपनी एक तो या तो अपनी लाइफ में कुछ दुख नहीं देखे, तकलीफें नहीं देखें, या तो फिर ऐसा ना कि इतनी देखी है कि भाई अभी उस चीज़ को झेलने का अपना ही तरीका ढूंढ लिया हो, अपना ही तरीका। तो
यूनिवर्स चाहती है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है हो, और इसलिए उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब आपसे मिलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा एक बदले हुए इंसान नज़र आएंगे, और जब तक बदलेंगे नहीं तब तक आपसे मिलेंगे नहीं, तब तक आपसे मिलेंगे नहीं, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान को जब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आती ना, आपकी इनकी जो ज़िद है, एक ईगो है, घमंड है, हो सकता है कि वो किसी और रिलेशन में जाए, या फिर अपने करियर पे फोकस दे, या कुछ भी, लेकिन उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस चीज़ में, जिस तरह से एक फाइनेंशियल डाउन से गुजरेंगे, किसी रिलेशनशिप की इतनी क्राइसिस से गुजरेंगे कि जिसकी वजह से उनको हर चीज़ की अहमियत, नो सोल की अहमियत, प्यार की अहमियत, पैसों की अहमियत, हर चीज़ की, जैसे किसी को लटकाना नहीं है, ये चीज़ की भी अहमियत समझ नहीं है ना, तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। और अगेन इसमें एक साइन और जुड़ गया है, एरिस साइन, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये बिजनेसमैन होने के चांसेस भी ज़्यादा है, जहाँ पे वो बिलीव करेंगे कि खुद का कुछ करें, या फिर उनकी पोजीशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जिस तरह जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, इनकी आप स्पिरिचुअल ही नहीं, आपकी उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ और उनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा डीपन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, और तभी वो ऐसा रूट्स पे जुड़ना सीखेंगे, और लिटरली तभी, मतलब ये इमोशंस दिखाना नहीं जाएंगे, ये इमोशंस है ना दिखाना नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पास्ट में कुछ झेला है, या फिर एक्सप्रेशन का जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, टाइप ऑफ उनको जो फीलिंग है, उसकी वजह से लगा कि अपने इमोशंस किसी को दिखाना नहीं है, ये दिखेंगे, बट मुझे मैं यकीन दिला सकती हूँ कि ये इंसान आपको तहे दिल से, बहुत ही सच्चे दिल से प्यार करते हैं, बस उसको दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं जा सकते, बट ये बाद में लाइक ना हमेशा सच बोलेंगे ना, सच्चाई का साथ देंगे, क्योंकि इन्होंने झूठ और फरेब इतना देखा होगा या उन्हें किया होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके परिणाम जो उन्होंने भोगे होंगे, उसके बाद ही उनमें जो एक चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। तो ये उनकी पर्सनालिटी हो सकती है। और जैसे कि मैंने प्रोफेशन बोला कि टीचिंग से रिलेटेड है, कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, और कुछ ऐसा है ना कि मार्केटिंग रिलेटेड भी उनके जॉब हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जॉब हो सकते हैं, ऑनलाइन, ये भी फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएशन होता है, लेकिन बहुत आर्टिस्टिक टैलेंट यूज़ होता हो। मुझे एक म्यूजिशियंस डांसर्स भी फील हो रहा है कि जहाँ पे उनकी आर्टिस्टिक कला है कुछ बोलने की, जैसे कि कुछ इंस्टाग्राम या यूट्यूब कुछ तो ऐसा है जहाँ पे वो एक्टिव है, जहाँ पे वो कुछ करना चाहते हों या फिर करेंगे, ये बात मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक फ्री एनर्जी हो जाएंगे तभी बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या निकल के आता है। कनेक्शन कनेक्शन यिन एंड यांग, वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, यूनिवर्स को थैंक्स लिटरली। सेक्सुअलिटी और द सिल्वर वाटरफॉल, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जब भी आप मिलेंगे, या आपकी मैरिड लाइफ की अगर बात करूँ, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, बहुत सारी डेटिंग और बहुत सारा एक बैलेंस की एनर्जी रहेगी ना, किसी को स्पेस देना, कितना तक लेके जाना है, कितना समझना है, एक दूसरे को आगे लेके जाना है, एक दूसरे के लिए सोचना है, वो बाद में बहुत रहेगा, सिर्फ उनका नहीं आपको भी रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इस रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि वो चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, उस चीज़ को, जैसे कि वो गुस्सा है तो आप शांत रहे, आप गुस्सा है तो वो शांत रहे, किसी चीज़ का मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर रहे, कम्युनिकेशन हो, ये सब बातें और ये सब चीज़ें की वजह से कनेक्शन कैसे बिल्डअप रखना है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। एनर्जी काफ़ी बैलेंस आउट होगी और कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लाइक नो अपने फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी आपने अभी तक जो लाइफ में अगर तकलीफें बहुत झेली है,
स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में ऐसा लग रहा है कि उसके बाद आपकी जब यूनियन या रियूनियन के बाद आपको बहुत ज़्यादा एक खुशी का एहसास होगा, और वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बैठे बिठाए थाली में परोसा है, नहीं, उसके लिए आपने जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की अपनी, वो चीज़ बहुत काम आने वाली है लिटरली। देखते हैं कि यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहेंगे। मैनिफेस्टेशन तो यूनिवर्स उनको कहना चाहती है कि मैनिफेस्ट कीजिए, मतलब उनकी एक्चुअली ना ये उनको दिखा रहा है यूनिवर्स का, मतलब कह है कि जब वो यूनिवर्स के सरेंडर करेंगे अपनी अपनी गोल्स को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, समझेंगे और उसे मांगेंगे, तब जाके उनकी जो लाइफ में जो तकलीफ़ है ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, हर चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे और उसका रिजल्ट ही उनको देखने मिलेगा लिटरली। सॉरी, आपके लिए एडवाइसेस, लीडरशिप, सेट योर गोल्स। तो आपके लिए है कि इस चीज़ में ना लीड, मतलब अपनी लाइफ की डोरी अपने हाथ में लेनी है, आपको समझना है कि आपको करना क्या है, कहाँ आपके गोल सेट करने हैं, कहाँ तक, कब तक, कहीं पे भी, हर चीज़, फाइनेंशियल हो, करियर हो, रिलेशनशिप है, हर चीज़ के गोल सेट करके अपने लाइफ को अपने हाथ में लेना है। एंड दो कार्ड्स आया तो दो ही लगी। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज, गेट रेडी मूविंग फॉरवर्ड एंड फेस योर फियर्स, रिलीज योर पावर ऑफ फियर। तो कोई भी डर, कोई एंग्जाइटी आपके मन में है तो उस चीज़ को रिलीज़ करने का वक्त आया है, आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके कनेक्शन को रोके हुए है, कनेक्शन को, आपकी खुद की ग्रोथ को भी। तो रिलीज द नेगेटिविटी, जो होना है वो होना ही है, उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं ना, वो बहुत वही चीज़ उस चीज़ के लिए रोक रही है ना, आपको जो चाहते हैं उस चीज़ के लिए रोक रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।